नमस्कार साथियों स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचर पर साथियों आर के एस एम बी के ऐप में आपको मुख्य परीक्षा की ओ सी आर को अपलोड करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं साथियों आपको विद्यार्थी के फोटो ग्रुप के या व्यक्तिगत विद्यार्थी का फोटो अपलोड नहीं करना है आपको गलत कक्षा और गलत विषय का फोटो अपलोड नहीं करना है आपको ओ सी आर का ही फोटो अपलोड करना है आपको अन्य किसी भी वर्कबुक कार्य पुस्तिका अन्य पुस्तिका का, का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है आप धुंधली फ़ोटो को अपलोड नहीं करें जिससे कि आर के एस एम बी के ऐप को बच्चे की ओ सी आर को चेक करने में कोई समस्या नहीं हो आपकी अपलोड की जाने वाली ओ सी आर की फ़ोटो साफ़ और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हो पेपर के बंडलों को आप एक साथ न रखें उत्तर पत्रक को आपको जांचना नहीं है जो भी आपको क्रॉस के निशान दिख रहे हैं इससे तात्पर्य है कि आपको ये सभी जो कार्य हैं वो नहीं करने हैं साथियों केवल उत्तर पत्रक की स्पष्ट सीधी फोटो आपको अपलोड करनी है आपको वाटर मार्क का विशेष रूप से ध्यान रखना है किसी भी फोटो पर वाटर मार्क आपको उसमें नहीं हो और आपकी ओ स्पष्ट रूप से एप्लीकेशन में दिखाई दे इस प्रकार से आप सीधी फोटो अपलोड करें या फिर आप गैलरी से भी आप वहां से फोटो का चयन करते हुए भी अपलोड कर सकते हैं धन्यवाद साथियों